हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं साजन कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है समझ आया क्या। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो SSB में रिक्रूटमेंट्स निकली हुई है, 872 पोस्टें हैं ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI, ASI पोस्ट की ये हैं। इसके लिए ये 3 पोस्टें हैं जो निकली हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल की है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑफलाइन उन्होंने फॉर्म निकाला है, PDF फाइल निकाली है, उस फॉर्म को आपने किस तरह से फिल करना है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से प्रॉपर आप उसको कंप्लीट भर के सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि उस फॉर्म को कैसे भरना है तो ही आप ये वीडियो देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपको न्यू अपडेट्स हैं वो मिलते रहें फ्रेंड्स। तो अब मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अगर मेरी वीडियो आपकी थोड़ी सी भी किसी तरह से हेल्प करती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जो SSB की रिक्रूटमेंट निकली है, हेड कांस्टेबल, SI, ASI पोस्ट के लिए 872 पोस्ट है, ये स्टार्ट करते हैं हम कि इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो पहला पेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से पेज है इन्होंने जो निकाला हुआ है, इसको आपने भरना है। ये देखिए, सबसे ऊपर रोल नंबर है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है, ये फॉर ऑफिस यूज है ऑनली, आपने यहाँ नहीं लिखना। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर की। फोटोग्राफर को आप बोलेंगे तो वो आपको इसी साइज में निकाल के देगा, गलत साइज लगाएंगे तो वो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे मैंने पोस्ट जो है वो नहीं लिखी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पोस्ट खुद लिख सकते हैं। जैसे कि उसमें पोस्टें थी सब इंस्पेक्टर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से जहाँ पे आपका नाम आएगा। इन्होंने बोला है ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है, कुछ इस तरह से आपका नाम होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, विवेक कुमार लिखा है मैंने, सरनेम मेरा कुमार है और जो फर्स्ट नेम है वो विवेक है। मिडल नेम वो होता है जिसके तीन वर्ड्स में नाम नेम जो है वो डिवाइड है, जैसे कि कोई विवेक कुमार अभिनंदन या शर्मा या कुछ भी, मतलब तीसरा वर्ड भी जुड़ता है तो वो मिडल नेम भी लिखेगा और कुमार सरनेम सारा कुछ लिखेगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फादर नेम। ये इन्होंने बोला है ये आप छोटे बड़े स्मॉल लेटर कुछ में किसी में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बड़े में ही लिखा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये देखिए मदर्स नेम है, ये आपको देना है, इसको ये मैंने भर दिया है, इस तरह से आपको भरना है। बिल्कुल कॉलम में ही भरिएगा, कॉलम से बाहर मत जाइएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक डिब्बा छोड़ दीजिएगा जब भी कंप्लीट होता है वर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एज देनी है आपकी, कितने साल अभी हो चुके हैं, 22 साल का हो चुका हूँ तो डेट ऑफ बर्थ जो है मैंने इस तरह से कुछ लिख दी है, ये है 01 और 1994। ठीक है फ्रेंड्स, एक महीना एक तारीख पहला महीना 1994 मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अब ये है ईयर मंथ डेट, यहाँ लिखना है कितने साल कितने महीने और कितने दिन, ये लिख दिया मैंने 22 साल और 21 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फी डिटेल है। अगर आपने ड्राफ्ट ऐसे जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो ड्राफ्ट है वो नहीं है, उन्होंने फीस नहीं पे करनी है तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, जिस तरह से उन्होंने बोला होगा आपने उसी तरह से करना है। मैंने एक्चुअली रिक्वायरमेंट वो देखी नहीं कंप्लीट इसलिए। तो अगर आप कैटेगरी के अलावा हैं तो शायद आपको जो है फीस देनी पड़ेगी, आप देख लीजिएगा, 200 रुपये फीस है शायद उसकी। तो वो बैंक ड्राफ्ट नंबर जो होगा वो आपने लिखना है यहाँ पे और अमाउंट यहाँ पे आपको देना है 200 रुपये। उसके बाद क्वालिफिकेशन का कॉलम है, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन जितनी भी आपने की है एज पर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से। ये देखिए, मैंने अपना बोर्ड दिया है यहाँ पे, जो मेरा जिस बोर्ड से मैंने पास की है 10th 12th, वो सारा बताया है मैंने, रोल नंबर दिए हैं, सर्टिफिकेट नंबर दिए हैं, डेट ऑफ इशू दिए हैं और सब्जेक्ट हैं, ये मैंने दो ही सब्जेक्ट लिखे हैं, एक्चुअली जगह कम थी इसलिए। तो आप पेन के साथ लिखेंगे तो पूरे 5 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये आगे मैंने परसेंटेज मार्क्स दिए हैं यहाँ पे कितने आई हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर किसी ने ITI किया है, पॉलिटेक्निकल किया है, अकाउंट्स में कोई कोर्स किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होगी फ्रेंड्स। जैसे ये मैंने ITI का एक लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग किसी ने की है पॉलिटेक्निकल में तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट अब मुझे पता तो नहीं है इसके, इसलिए मैंने यहाँ पे XYZ है, जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ये सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाल दिया, यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखना है, कितनी परसेंटेज है वो आपको लिखनी है। ये पहला पेज आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ये देखिए, उसके बाद जेंडर है ये मैंने भर दिया है मेल। आगे रिलीजन पूछा है, नो नंबर कॉलम, तो मैंने हिंदू टिक लगाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दसवां नंबर कैटेगरी पूछी है, ये एससी मैंने दे दी, और एससी लिखना भी है आपको, याद रखिएगा, लिखेंगे नहीं तो नहीं एक्सेप्ट होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आगे आपको माइनॉरिटी अगर बिलोंग्स टू मेंशन जो आपको देना है, वेदर बिलोंग्स टू, अगर कोई गोरखा डोगरा किसी में भी है तो वो दे सकता है, मेरा नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। आगे जो नेक्स्ट है, अगर कोई 80 से 89 के बीच में डोमिसाइल जो आए थे लोग, अगर उसमें कोई है तो वो मैंने नो लिखा है। उसके बाद वेदर अफेयर 1984 में अगर कोई दंगों में कोई कुछ हुआ था वो है नो है। तो 2002 ये है कम्युनिस्ट गुजरात में जो हुआ था उसके लिए अगर रिलेटेड है तो ये मैंने नो किया हुआ है, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, एक्स सर्विसमैन में अगर कोई है तो यहाँ पे दे सकता है अपनी डिटेल, वैसे तो नहीं लगाते हैं फॉर्म लोग, तो अगर कोई है तो वो अपनी डेट ऑफ एनरोलमेंट, ये सारी उसकी ज्वाइनिंग वगैरह जो होती है, वार्ड अगर कोई मिला है उसको, तो सारा उसको देना होता है यहाँ पे। आगे मैं 14 नंबर कॉलम की बात करूंगा, ये मैंने विलेज टाउन जो आपका है मैंने सतवारी लिखा है, पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ पड़ता है वो लिखिए, तहसील लिखिए, पुलिस स्टेशन लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, यहाँ पे स्टेट आपको लिखनी है, पिन कोड आपको देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह से है आपका, जो 15 नंबर कॉलम है ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो होगा जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं फिलहाल, मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है, मकान है, तो वो होता है। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी सेम ही आप उस तरह से भर सकते हैं, विलेज टाउन पोस्ट ऑफिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो अब मैं 16 नंबर कॉलम की बात करता हूँ, ये मोबाइल नंबर आपको देना है यहाँ पे, ईमेल आईडी आपको देनी है। उसके बाद 17 नंबर पे आपको लिखना है कि एसएसपी के आपके एम्प्लॉय तो नहीं है, मैं नहीं हूँ तो मैंने नो किया है। अगर यस करेंगे तो फिर आपको पूरी डिटेल जो है ये देखिए यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 18 नंबर कॉलम की अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई, तो उसको यहाँ पे फिर डिटेल देनी पड़ेगी, मैं नहीं हूँ इसलिए मैंने नो नहीं किया है। उसके बाद यूपीएससी एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन एग्जाम, आप कभी उससे रिजेक्ट हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करना है यहाँ पे, तो मैं नो हूँ, मैं नहीं है तो इसलिए नो कर रहा हूँ। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सी नंबर कॉलम, हैव यू एवर डिटेन इन एनी क्रिमिनल, मतलब जिसका करेक्टर अच्छा नहीं है या क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी है तो आपको नो यस करना है यहाँ पे, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने नो कर दिए हैं। उसके बाद अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे रीज़न देना है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये है 23 कॉलम, आइडेंटिफिकेशन मार्क राइट ऑन द राइट इन द बॉक्स, ए मोल ऑन नेक दे देता हूँ, मेरी नेक पे मोल है तो वो मैंने दे दिया है। इस तरह से ये फॉर्म है, जो चीज़ नहीं है वो आपने नहीं भरनी है फ्रेंड, उसको कुछ नहीं करना। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगला पेज होगा वो इस तरह से है, थंब इंप्रेशन आपको देना है यहाँ पे, इस तरह से कॉलम में लगा दीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देनी है कि आप ये इन्फॉर्मेशन सारी सही है, और सिग्नेचर आपको करने हैं यहाँ पे, सेल्फ अटेस्टेड होगा ये मैंने लिख दिया, विवेक कुमार सन ऑफ ये है, एज ये है, हाउस नंबर सतवारी जम्मू, पूरा एड्रेस मैंने कंप्लीट यहाँ पे दिया है। उसके बाद डेट आपको लिख दीजिएगा यहाँ पे, कितनी डेट को आपने फॉर्म भरा, सिग्नेचर दे दीजिए एप्लीकेंट के, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो आपके लिए आ जाएगा इस तरह से, ये है शेड्यूल कास्ट, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फॉर्म है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट लोगों ने ये पहले से ही बना के रखा होता है, स्टेट सब्जेक्ट शेड्यूल कास्ट जो है ये बने होते हैं लोगों के, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके पास बना हुआ है उसकी फोटोकॉपी जो है वो आप इसके साथ अटैच करेंगे, इस फॉर्म को नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने सारे लिखे हैं जो जो आपको करने हैं इसके साथ अटैच लगने हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड इंपोर्ट टू इशू जो करते हैं ये वो हैं, उनसे आप सिग्नेचर वगैरह करा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आप भर के तो कर सकते हैं, अगर आपने अभी अप्लाई करना है स्टूल कास्ट के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट फॉर्म होगा, ये है बैकवर्ड क्लासेस के लिए फ्रेंड्स। तो ये भी ऑलमोस्ट बना होता है, लोगों ने पहले ही बना के रखा होता है, तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म, इसको नहीं सेंड करना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए अगर कोई चाहता है फ्रेंड्स, ठीक है, एज पर जो उन्होंने बोला होगा ओबीसी एससी के लिए, जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके ये फॉर्म फिल करके, और उससे जो मैजिस्ट्रेट है सब डिविजनल उससे साइन आपको करवाने हैं, नहीं तो आपका ये फॉर्म नहीं लगेगा।
तो ये एज रिलैक्सेशन आप लगा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मतलब कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और इन्होंने छूट दी हुई है एससी को, कई बार 5 साल या 6 साल का दे देते हैं कि 6 साल से ज़्यादा भी वाले भी लगा सकते हैं, जैसे 26 साल मांगी है तो 30-31 वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एससी या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने चाहिए। तो ये फॉर्म आपको फिल करके आपको जो है सिग्नेचर करवा के मजिस्ट्रेट के, फिर जाके ये आपका लगेगा। उसके बाद उन्होंने एक पेज और दिया हुआ है, वो आपको बता, यही पेज है, सॉरी इतने ही फ्रेंड्स पेज हैं। तो ये सारे पे इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट लगेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।